नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अपने ही कर्मचारियों को बिजली का झटका देने वाला जज 8 साल बाद अदालत में फिर से लौट आया है और अदालत में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ही इस जज की बर्खास्तगी की थी, लेकिन वापस नौकरी भी बहाल करने का आदेश अब जारी हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या है पूरा मामला और यह जज कितना निर्दयी था कि इसे बर्खास्त तक करना पड़ा था। बावजूद इसके 8 साल बाद हाईकोर्ट ने खुद का ही फैसला पलट लिया। तो चलिए पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने वाले हैं। मामला गुजरात हाईकोर्ट और गुजरात के जिला अदालत से ही जुड़ा हुआ है। इस जज की निर्दयता इतनी थी और आचरण इतना अशोभनीय था कि उस वक्त हाईकोर्ट को यह कठोर निर्णय करना पड़ा था कि इस जज को तुरंत नौकरी से बाहर निकालो। वैसे भी न्यायाधीश जज, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो जब भी कोई फैसला करें तो उसमें न्याय दिखे, लेकिन जब जज का आचरण ऐसा होगा, वो अपने ही ऑफिस के कर्मचारियों को बिजली का झटका देंगे और ऐसे ऐसे कृत्य करेंगे जो जजों की मर्यादा का साफ तौर पर उल्लंघन है, और ऐसी हरकत करने वाले जजों को कुर्सी पर बिठाएंगे तो वो केस में क्या फैसला करेंगे, यह भी सोचना होगा। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला क्यों हैरान करने वाला है और कैसे यह मामला शुरू हुआ था, 8 साल पहले इनकी नौकरी क्यों गई थी, पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, मामले की शुरुआत करते हैं उस घटना से जब इनकी नौकरी गई थी। कहा जा रहा है नव भारत टाइम्स के द्वारा कि यह पूरा मामला सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमलेश अलवानी से जुड़ा हुआ है। अलवानी को साल 2005 में न्यायिक सेवा में शामिल किया गया था। जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद 2016 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। 2012 में जब उन्हें सस्पेंड किया गया तो उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। जज के खिलाफ जांच में विजिलेंस अधिकारी ने पाया कि जज ने कथित तौर पर सावली में अदालत के 4 कर्मचारियों को बिजली के झटके दिए थे। कर्मचारी चपरासी देवा भालानी, MH जोशी और PC जोशी और चौकीदार तनवीर मीर ने दावा किया कि जज ने ट्यूबलाइट स्टार्टर का उपयोग करके उन्हें बिजली के झटके दिए, फिर इन्हें बर्खास्त किया गया। लेकिन जब इनकी नौकरी वापस दी गई है तो इस वक्त हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हम सिर्फ बिजली के झटके वाले मामले को खारिज करते हैं, लेकिन जो बाकी इनके आचरण है वो निश्चित तौर पर अशोभनीय है और वहां इन्होंने जितने कुकृत्य किए इसके लिए इस जज को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। नौकरी तो मिल गई लेकिन हरकतों के लिए सजा दी जाएगी। बस बिजली वाला मामला वो कैसे गलत साबित होने लगा या फिर उसमें कितना दम था, ये आप भी तय कीजिएगा, क्योंकि 8 साल बाद ना जाने कहां से एक तर्क सूझा और उसके बाद यह तय मान लिया गया कि शायद इन्होंने बिजली का झटका नहीं दिया होगा, शायद। देखिए 2016 में जब बर्खास्त हुए तब क्या हुआ था। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि के लिए इन पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए थे। विभाग ने जज पर लगे अन्य आरोपों को लेकर भी जांच की थी, हालांकि वे इतने ज्यादा गंभीर नहीं थे। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाली अथॉरिटी को 2014 में जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसमें पाया गया था कि जज कोर्ट के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के दोषी हैं। रिपोर्ट में यह माना गया था कि जुडिशियल ऑफिसर के लिए अशोभनीय था, इसलिए हाईकोर्ट ने बड़ा जुर्माना लगाया और 2016 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अब बताइए कि जिस जज की नौकरी चली गई हो उसके अशोभनीय आचरण के चलते जो बिजली का झटका देने का आरोपित हो गया, उसे अगर नौकरी वापस दी जा रही है तो फिर क्या वो अपने जजशिप के दौरान सही से न्याय कर पाएंगे? क्या उन्हें वही गरिमा प्राप्त होगी? क्या उन्हें वही प्रतिष्ठा मिलने जा रही है? क्योंकि इनके आचरण को अशोभनीय तो हाईकोर्ट अभी भी मान रहा है। फिर ना जाने इनकी नौकरी की बहाली की बात कैसे हुई, जो दलील दिए गए उसी दलील को वजह बताया जा रहा है कि इस कारण से जज साहब जो हैं अपनी नौकरी पाने में सफल रहे हैं। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ नव भारत टाइम्स ने लिखा है,
हाईकोर्ट के फैसले के बाद बर्खास्त जज अलवानी ने वकील वैभव व्यास के माध्यम से हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए गए फैसले को चुनौती दी। इसमें उन्होंने तर्क दिया है कि अदालत के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने सहित कई आरोप प्रमाणित नहीं किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने केवल गवाहों के बयानों पर भरोसा किया। जांच अधिकारी ने मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड MGVCL के एक उप अभियंता की एक्सपर्ट ओपिनियन को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जिस तरह से पीड़ित दावा कर रहे थे उस तरह से बिजली के झटके नहीं दिए जा सकते। वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने एक्सपर्ट की राय को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जज को इतने गंभीर आरोप के लिए दोषी बताया। अब जो बीते 8 सालों में यह मामला क्यों नहीं क्लियर हो पाया था कि जो जांच अधिकारी रिपोर्ट दे रहे थे उसमें ना हाईकोर्ट ने इस मामले पर ध्यान दिया कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है, या फिर अब यह उनकी नौकरी वापस करने का एक अलग से जरिया बना और एक्सपर्ट ओपिनियन वाली बात इस वक्त सामने रख दी गई कि ट्यूबलाइट स्टार्टर से करंट नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन कोई बेवजह किसी जज के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलेगा, आखिर कारण क्या था, यह भी तो गहन जांच का विषय। अगर जज सही थे तो फिर इन्हें हाईकोर्ट ने बाकी मामलों में दोषी क्यों पाया है, इनके खराब आचरण और व्यवहार का दोषी इन्हें क्यों बताया जा रहा है। और जो जज अपना आचरण ही सही नहीं रखेंगे तो वो न्याय क्या कर पाएंगे। अब यह कोई ना कोई खेल हुआ हो, हाईकोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ गया, क्या कारण है आप भी तय कीजिएगा। लेकिन अब जरा यहाँ से देखिए, 8 साल बाद जब राहत मिली है तो यहाँ पर क्या कुछ बताया जा रहा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि वहीं दूसरी ओर इस मामले में हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को हाईकोर्ट की समिति ने स्वीकार कर लिया है और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जज ने एक ऐसा कार्य किया है जो एक न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय है, इसलिए गुजरात सिविल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1971 के नियम 6-8 के तहत सेवा से बर्खास्तगी की सजा की सिफारिश की गई थी। HC के वकील ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष को उचित ठहराया कि एक न्यायिक अधिकारी का असभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना मिसकंडक्ट के बराबर है। लेकिन अब जब बाद में सुनवाई हुई है तो इस मामले में जस्टिस बीरेन वैष्णव और निशा ठाकुर की बेंच ने जो कुछ कहा है और जांच अधिकारी के निष्कर्ष को गलत बताते हुए उनकी नौकरी वापस देने का फैसला किया। यहाँ लिखा गया है कि मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस बीरेन वैष्णव और न्यायमूर्ति निशा ठाकुर की पीठ ने प्रताड़ना के आरोप पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष को त्रुटिपूर्ण पाया और आरोप रद्द कर दिया। पीठ ने जज को बर्खास्त करने को अनुचित पाया और उनकी बहाली का आदेश दिया। अदालत ने उनके खिलाफ साबित हुए 4 अन्य आरोपों के लिए बर्खास्तगी के अलावा अन्य सजा देने का भी आदेश दिया है। मतलब बाकी जो सजा उन्हें दी जाएगी वो सजा बरकरार रहे लेकिन नौकरी इनकी वापस कर दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आपको कर्मचारियों को अगर बिजली का झटका देने में आनंद आता था, आप पर ऐसे आरोप लगे और उस वक्त आरोप सही साबित हो गए, 8 साल बाद एक एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से जांच अधिकारी की रिपोर्ट गलत हो जाती है, फिर भी अगर आपकी नौकरी वापस दी जाती है, बाकी आचरण के लिए आपको दोषी पाया गया है, तो आप जजशिप के दौरान कितना न्याय कर पाएंगे? क्या इस जज को उसी नजरिए से देखा जा सकेगा? अब यहाँ एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जजों को बर्खास्त करने का सिलसिला समय समय पर चलता रहता है। अभी पिछले साल ही 6 जजों को बर्खास्त किया गया था। कई जज निलंबित किए जाते हैं और उनकी वजहें होती हैं, लेकिन ऐसे बर्खास्त जजों की नौकरी वापस होती रही हो ऐसे मामले कम देखे जाते हैं। अब इस जज की नौकरी वापस हुई है जो इतने गंभीर मामले में दोषी पाए गए थे, हालांकि उनके ऊपर इस वक्त एक केस रद्द करके बाकी आरोपों को बरकरार रखा गया है, तभी हैरानी होती है कि जब यह नौकरी पर वापस आएंगे और इनके पास कोई केस सुनवाई के लिए आएगा तो क्या वो निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे, क्योंकि इनके आचरण पर ही सवाल जो खड़े कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि इनका एक अनोखा केस है, लेकिन इसके अलावा भी ट्रायल कोर्ट में ऐसे ऐसे जज बैठे हुए हैं जो अपने फैसले से हाईकोर्ट की नज़र में चढ़ जाते हैं और हाईकोर्ट उन्हें सजा भी
दे देता है। और इस वक्त हमने आपको हाल में रिपोर्ट दिखाई थी कि दो जजों को सांकेतिक तौर पर जुर्माना लगाया गया था। जस्टिस विवेक चौधरी ने ऐसे जजों के करामात पर हैरानी जताते हुए खूब फटकार लगाई थी और फिर उन्हें जो है तुरंत सजा भी दी गई थी और कहा गया था आगे से अलर्ट रहें, जज की गरिमा बनाए रखें। ऐसे में अब गुजरात वाले इस जज की नौकरी तो वापस मिल जाएगी, लेकिन इनके एक एक गतिविधि पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। फिर से कंप्लेन होगा, फिर से मामला हाईकोर्ट जाएगा और फिर उन्हें सजा मिल जाएगी। ऐसे में जज साहब अपनी नौकरी वापस पाकर क्या बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे? तमाम ऐसे सवाल इस वक्त सामने खड़े होंगे। हाईकोर्ट ने भले ही उनकी नौकरी लौटाई है, लेकिन उनका जजशिप वाला करियर हमेशा दागदार हो चुका है, क्योंकि पूर्ण रूप से उन्हें बरी नहीं किया गया है, उन्हें सजा मिलेगी। फिलहाल आज के रिपोर्ट में थोड़ी अलग थी, लेकिन इस खबर को भी जानना जरूरी था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।